राम राम दोस्तों, आज आपको दो तीन चीज़ें दिखाएंगे जिनको आप खुद देख के महसूस करोगे कि हम किस लिए बोल रहे थे सिखों के बारे में। एक तो आपको ये दिखाते हैं, चाइना बॉर्डर का फोटो है, ये जहाँ निशान साहिब का झंडा लगा हुआ है, देख देख फतेह। एक जो हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में युवाओं में खास करके जो कल्चर बढ़ता जा रहा है ना, संजनल सिंह भिंडरावाले का गाड़ियों के ऊपर लगाना, पूरा नंबर तो नहीं दिखाना फिर, नहीं तो ये पीछे लग जाते हैं। संत जरनैल सिंह भिंडरावाला आपको इसी मानसिक गुलामी से निकालने की लड़ाई लड़ते थे, जो मानसिक गुलामी आपके अंदर फैलाई जा रही ना, अब पिछले कुछ दिनों से काफ़ी कुछ देखने में आ रहा है, आप भी देख रहे होंगे। सिर्फ अपने देश में कुछ चल रहा है तो वो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, उससे अलग भी कुछ होता होगा। महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के ऊपर कोई बात होती होगी नहीं, बस अगर कुछ चाहिए तो वो चाहिए हिंदू मुसलमान। चलो भाई, आप लोग जो ये हिंदू मुसलमान करने वाले हो, आपको मैं एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। और है ना, जो ये आप ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बन रहे हो, इसका जवाब जरूर देना भाई कि आपने कभी जो ये गाय के नाम पर राजनीति करते हो ना, कभी इतनी गायों की रक्षा एक साथ की थी क्या? अमृतसर का वीडियो है, आप बता दोगे है कि नहीं है। गायों की गिनती अपने आप कर लेना कितनी है, फिर तुम्हारे को दिक्कत होती है, गुरु की सेना दिखाई दे जाती है तुम्हारे को। झूठे गायक के नाम पर राजनीति करने वालों, कभी ये किया है क्या? इतनी गायों की एक साथ रक्षा की है कभी? की है क्या कभी? की हो तो बताओ कि हाँ, हमने इतनी गायों की रक्षा एक साथ की है कभी? तुम्हारी गायों की रक्षा भी जब सिखों को करनी पड़ रही है, फिर तुम्हारे को इतनी दिक्कत क्यों आ रही है उनके नाम से? वहाँ चाइना अपने बॉर्डर पर लगा रहा है, निशान साहिब का झंडा लगा रहा है, वहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर पर भी खालिस्तान के झंडे लग गए। तुम तो खालिस्तान बोलते हो निशान साहिब के झंडे को भी, तुम्हारे को पता नहीं कौन सी तकलीफ होती है निशान साहिब का झंडा देख के। पहले एक बार एक काम करो, आप निशान साहिब के बारे में थोड़ा पढ़ के आओ, पढ़ो थोड़ा सा, क्यों इतना महत्व दिया जा रहा है निशान साहिब को? कभी पढ़ना और फिर आके बहसबाजी करना कि हाँ हमने पढ़ा है। आपको तब पता लगेगा कि किसानों के लिए जमीन दिलवाने वाले भी निशान साहिब थे, जो पहला जो आंदोलन लगाओ या कुछ भी किया गया था निशान साहिब के द्वारा किया गया था, किसानों को उनकी ज़मीन का हक दिलवाया था। ऐसे ही नहीं नाम होता दुनिया में, कुछ करना पड़ता है उसके लिए। यहाँ पर लोग लेकिन क्या करते हैं, गधे को शेर बना कर प्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन वो गधा ही निकलता है फिर। वो सब ने देख लिया था वहाँ पर, जो मीटिंग चल रही थी ना, वो वीडियो भी दिखाया था आप लोगों को, वहाँ पर देख लिया होगा। इमरान खान तो नहीं झुकया, लेकिन तुम्हारा नकली बनाया हुआ जो शेर बना रहे थे हम, जिस गधे को, ये झुकया, ये झुकया अपने मालिक के सामने, लेकिन वो नहीं झुकया। अब तुम्हारा ये दिक्कत हो जाएगी, पाकिस्तान का इमरान खान जिसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी खेल वही हुआ है। और ये खेल है ना बहुत ऊपर से है, जहाँ पर लोग गुलाम पालते हैं, गुलाम हमारे देश में उनको गुलाम मिला हुआ है, तो इस गुलाम को सत्ता में बिठाया हुआ है। अभी ये उपचुनाव हुए, चार पाँच जगह पर हुए ना, कहीं पर भी इनकी कोई नज़दीक भी भिड़ा नहीं, जीत सके ना इनका कोई कैंडिडेट। लेकिन वैसे चुनाव होना, देखना कितने स्टेटों में जीत जाएंगे, कभी इस बारे में सोचा है? लेकिन तुम्हारे तो दिमाग में भर दिया गया है हिंदू मुसलमान, मुसलमान मारेंगे तुम्हारे को, कभी तुम्हारे को सिख मारेंगे। कितने परसेंट सिख हैं अपने देश में? 2% मुश्किल से होंगे। कितने परसेंट मुसलमान हैं? 10% होंगे। और हिंदू, हिंदू 80% हिंदू खतरे में आए बैठे हैं, कमाल नहीं हो रखा है, कमाल। और पता नहीं वो किसके जाहिल बच्चे हैं, वो एक मिनट में मिल जाते हैं इनको, बस झंडा लगाएंगे, मस्जिद के सामने डांस करेंगे। असली माँ बाप की औलाद नहीं है वो, सच्चाई है ये। तुम्हारे को अगर इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, तुम्हारे को सिक्की से बढ़ते बढ़ते सबसे दिक्कत हो रही है ना, कभी जाके ना इनकी वो देखना काम कितना करते हैं ये, या कितना इसका धर्म को ऐसी नहीं मान्यता दी जाती है। तुम्हारा उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है ना, सबसे पहले झुकता है जाके गुरुद्वारों में, नहीं पता हो तो पता कर लेना, पता करना इस चीज़ का, सबसे ज़्यादा मानता है सिख धर्म को। अब वो चाहे उस वहाँ से कुछ लेने के लिए मानता हो, लेकिन मानता है। जो तुम है ना पूरे दिन ये हिंदू हिंदू चलाते रहते हो, तुम्हारा हिंदू हृदय सम्राट होगा ना, वो भी मानता है सिख धर्म को, कभी इस बारे में सोचा है? हमने एक छोटी सी मांग रखी है, हमारे को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, संयुक्त पंजाब एक कर दो, संयुक्त पंजाब एक कर दो। ये जो जितनी ये मानसिक गुलामी फैलाई जा रही है ना, एक मिनट में कट जाएगी ये मानसिक गुलामी, ये मानसिक गुलामी
शारीरिक गुलाम हो गए तो लड़के तुम्हारे को आजाद करवाया जा सकता, मानसिक गुलाम को कोई आजाद नहीं करवा सकता। और तुम्हारे दिमाग में मानसिक गुलामी डाली जा रही है और तुम डलवा रहे हो, इस चीज को डलवा रहे हो। इसमें सबसे बड़ा हाथ इन नेताओं का है, सबसे बड़ा हाथ जिनके जरिए तुम्हारे दिमाग में मानसिक गुलामी डाली जा रही है। अगर इससे आपको बचना है ना तो सिख धर्म में आ जाओ। नहीं कहते हम किसी को अपना धर्म छोड़ो, लेकिन सिख धर्म में जाकर तुम इस मानसिक गुलामी से बच जाओगे। वहाँ पर किसी धर्म का अपमान नहीं किया जाता, वो अपने धर्म को मानते हैं, अपमान नहीं करते वो किसी का भी। और ज़्यादा तुम्हारे को इस दिक्कत से निकलना है तो संयुक्त पंजाब एक कर दो एक बार, फिर देखो ये कितनी गुलामी फैला लेंगे। अगर ये ढूंढे से भी मिल जाएं, ये नारंगी संतरे हैं, जो ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे नारंगी संतरे, एक बार करके देखो संयुक्त पंजाब एक। जैसे ही संयुक्त पंजाब एक होगा ना, नारंगी संतरे गायब। ये नारंगी तब ढूंढे नहीं मिलते थे जब संयुक्त पंजाब एक होता था, लेकिन नारंगी आना ना दिमाग से चले सब कुछ। हरियाणा अलग कर दिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग कर दिया, लाहौर अलग कर दिया, J&K अलग कर दिया, हिमाचल अलग कर दिया, राजस्थान अलग कर दिया। कितने टुकड़े किए थे पंजाब के, संयुक्त पंजाब के कितने टुकड़े किए थे। और अब फिर तुम उसी वही अपनी चालों पे आ रहे हो, उन्हीं चालों पे आ रहे हो ना। लेकिन हरियाणा में जो वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, पश्चिमी यूपी में बढ़ता जा रहा है सिख धर्म का, राजस्थान में बढ़ता जा रहा है, कितना रोकोगे। तो अपने एक संयुक्त पंजाब की मांग भी कर लो भाई, जितने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, हरियाणा के साथी हैं, अपनी एक संयुक्त पंजाब की भी मांग करो। नुका हमें संयुक्त पंजाब चाहिए, संयुक्त पंजाब दे दो हमारे को, कोई झगड़ा ही नहीं बचेगा देश के अंदर, ना धर्म का झगड़ा, ना जातिवाद का झगड़ा, ना तुम्हारा SYL का झगड़ा, ना चंडीगढ़ का झगड़ा। देखो कितने झगड़े समाप्त होते हैं एक संयुक्त पंजाब से, एक संयुक्त पंजाब ले कर देखो सभी झगड़े खत्म हो जाएंगे। इसलिए डरते हैं संयुक्त पंजाब देने से, डर है इनको। लेकिन हमारी तो मांग रहेगी, हम नहीं फंसना चाहते इस मानसिक गुलामी में। जो ये मानसिक गुलामी दे रही है ना, मुसलमानों का जो डर दिखा रहे हैं, ये जाहिल पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। इन जाहिलों का इलाज करो, और आपको रखनी है ना तो संयुक्त पंजाब की मांग रखो। लोगों हमें चाहिए संयुक्त पंजाब, ज्यादा उसमें झगड़े में जाना ही नहीं है। संयुक्त पंजाब की मांग करो। निशान साहिब को पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया। जिस निशान साहिब के झंडे को तुम लोग खालिस्तान का झंडा बोल रहे हो ना, उस निशान साहिब का वर्चस्व पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में कैलिफोर्निया में राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराया जाता है। सिखों की बेजोड़ ये देख के, जो लोगों की सेवा करते हैं, सेवा भाव को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय दिवस बना दिया सिख दिवस को अमेरिका ने। और अपने देश में ये खालिस्तानी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये जाहिल हमारे ऊपर राज करेंगे। जिन जाहिलों को यही नहीं पता कि ये कौन कौन सी है, जानबूझ के छेड़खानी मत करो, गुना नारंगी हो, ढूंढे नहीं मिलोगे फिर तुम, ढूंढे भी नहीं मिलोगे। ये ध्यान कर लेना, कहीं तुम चक्कर में आकर टकराते हो इन सिखों के साथ। वो गुरु की सेना जिस दिन उठगी ना, तुम्हें नागपुर छोड़कर वापस थाईलैंड भागना पड़ेगा। थाईलैंड, जिस थाईलैंड को तुम अखंड भारत में जोड़ रहे हो ना, उसी थाईलैंड में मिलोगे फिर तुम, ये ध्यान रखना। कन्फर्म है आप करना है, अगर आपको मांग करनी है, ये लेते रहेंगे अखंड भारत, हमें अखंड पंजाब दे दो भाई, संयुक्त पंजाब दे दो। हमें नहीं चाहिए ऐसी मानसिक गुलामी, जो है मानसिक गुलामी में विश्व गुरु जो बनना चाहते हैं ना, ये कहीं ना बने, ये देश को बर्बाद करेंगे, बर्बाद। और खास करके नारंगी पिस्सू, ये पूरे देश को इतना बर्बाद कर देंगे कि अपना देश उभर नहीं पाएगा, श्रीलंका से भी बदतर हालत हो जाएंगे अपने देश की। अगर इससे बचना है, अपना अलग से संयुक्त पंजाब लो, और उसमें ना कोई धर्म का, ना कोई जातिवाद का, अगर कोई भी झगड़ा हो जाए, गारंटी इस चीज़ की। सभी से एक रिक्वेस्ट है, हमें चाहिए संयुक्त पंजाब, हमें संयुक्त पंजाब चाहिए, हमें नहीं चाहिए जातिवाद धर्मवाद के झगड़े, हमें आपस में मिलजुल कर रहना है। उसके लिए आपका एक हल है, वो है संयुक्त पंजाब। अब चाहो तो संयुक्त पंजाब में बाकी उनको जोड़ सकते हो, स्टेटों को जोड़ सकते हो, सूबे जोड़ सकते हो, जिस सूबे का आने का दिल करेगा वो आ जाएगा। एक बार करके तो देखो संयुक्त पंजाब एक, पता लग जाएगा। एक 70 राज किसे कहते हैं, वो पता लग जाएगा इनको। मांग रखनी है संयुक्त पंजाब की, मांग रखो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो को शेयर कर देना। हम अपनी मांग ऐसे रखेंगे भाई, हमें संयुक्त पंजाब चाहिए, हमें मानसिक गुलामी नहीं चाहिए। ये जो अखंड भारत नहीं बन रहा, ये गुलामों का, एक मानसिक गुलामों का देश बनाया जा रहा है, लेकिन हमें मानसिक गुलामी मंजूर नहीं है, हमें संयुक्त पंजाब चाहिए। सभी साथियों को राम राम भाई, सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना, हमें चाहिए संयुक्त पंजाब।